गांव वाला वेड़ा होगा सत्य ही पैदा होगा। कितने कर्म चंगे बारो रब नो लभदा फिरदा तेरे अंदर ही बैठा और तेनू नजर ना आवे। हाँ जी, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल फतेह ब्लॉग। तो अज आप चले से किसी काम पर आपां नूं हुणी पता लग्या कि बाबा जी सुरेंद्र साई जी पहुँच रहे हैं गे भादले अपने मतलब नेड़े पिंड। पहला भी मैं एक बार थोनों उत्थे लैके गए सी आपां, है ना। तो उत्थे उस टाइम बाबा जी आए नहीं सी है ना सुरेंद्र साई जी, तो उस टाइम मतलब सरदार अली आए सीगे। बट इस बार ना सुरेंद्र साई जी के चांस तां बणदे ने जी क्योंकि गनी खां ने आना गा, तो जिते गनी खां आने तो उ मतलब 101% श्योरिटी है कि सुरेंद्र साई जी पहुँचने पहुँचेंगे। तो यह हमेशा होया कि जे गनी खां गाऊगा तो सुरेंद्र साई साई जी का भी पूरे पूरे चांस ने, थोड़ा सारे पता है कि उन्होंने जुगलबंदी होंगी होंगी है। अगर थोड़ा बहुत भी चांस बनूगा है ना, अगर आपको मिलते हैं गे तो असं थोड़ा जरूर दिखाने की कोशिश करा। तो बाकी अपने पहले दो तीन काम ने पेंडिंग है ना, आपको करने ने हजे दिन जहाँ खड़ा गए, उन्होंने दिन शिफ्ट तक आना गा, हजे तो ईवनिंग का टाइम हैगा। तो फिर आप मतलब रात का नाइट का प्रोग्राम उत्थे हैगा, तो दो तीन बाजार के काम करके तो एक दो साडा हॉस्पिटल का काम हैगा वह भी करके फिर असं उत्थे तुहानू मिलदे आंगे, ठीक है जी। तो तद तक तुसीं की करना गा, चैनल नू करना गा सबसक्राइब, तो लाइक का बटन दबाना, तो कमेंट करके जरूर दस दिया करो कि व्लॉग किस तरह का लगे, है ना। सुरेंद्र साई जी का तो सारी जगह ला ही होंगे ने गे, है ना, तो कहने की जरूरत नहीं पैंती हैगी। तो प्लीज़ व्लॉग का भी दस दिया करो कि किस तरह का जा रहा, क्योंकि थोड़े तो ही सानू पता लगना कि किस तरह का वीडियो जा रही है जी। सो प्लीज़ इस तरह प्यार बना के रखियो, तो कमेंट करके जरूर दस्यो, तो बाकी मिलते हैं। हाँ, अगर वीडियो लंबी हुई तो दो पार्ट के डिवाइड करांगे, अगर वीडियो थोड़ी जी बनी है ना मतलब कि साई जी ना आए तो छोटी बनूगी, अगर आते नहीं तो डबल हो जूगी, तो फिर आप दो पार्ट के डिवाइड कर देंगे, तो मिलते हैं फिर। चलो जी, एक रिक्वेस्ट होर आ गई कि ना जो भी ब्लॉग अपना जो चैनल आगा नवा नवा गा, सो प्लीज़ फ्रेंड्स के नाल जेडे जेडे तुहानू पता कि साई जी जानते हैं गे, साई जी मनते हैं गे, साई जी से विश्वास रखते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के उपर शेयर जरूर कर दिया करो, तो स्टेटस लगा दिया करो प्लीज़। अजे थोड़े प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि हमेशा रहूगी वैसे तो, क्योंकि जब तक थोड़े जो वर्ग के सबसक्राइबर साडा चैनल नहीं देखेंगे तब तक ग्रो नहीं होना। सो प्लीज़ प्यार बना के रखो, तो शेयर करो दब के, है ना, फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू। मालिक दे बनाए असी पुत नूं चिराग कहने, घर का चिराग मानते हैं ना पुत नूं, सारे कहने कि मेरा पुत तो घर का चिराग है, पर जिहड़ी धी हुंदी है ना जे घर का पुत चिराग है तो धी उस चिराग की बत्ती है, बिना बत्ती तो चिराग नहीं जगदा। सो नहीं सत्कार बेटियां भी देना है जिन्ना पुत्रां नूं देना, थोड़ियां दिवालियां बड़े चावां नाल मनाउंदे ना, उह तों भी वध के मनाया करो धीआं दीआं लोहड़ियां, क्यों, क्योंकि इक धी अपनी जिंदगी दे विच कई किरदार निभाउंदी है। एक बेटी एक बच्ची अपनी जिंदगी दे विच कई किरदार निभाउंदी है, सब तो पहला वो बेटी बनती धी बनती फिर नूंह बनती किसी की घरवाली बनती है, फिर मां बनती है, दादी बनती, बड़े किरदार निभाउंदी है। हमेशा बच्चियां दा धीआं दा सत्कार हमेशा ही, नाम जपना, नाम जपना ते नाम जपाउणा ये दो ही काम साधु बंदगी करन दे लई
जरूरी नहीं। गलीचा ही बिछिया होना चाहिए, बंदगी किते भी बह के कीती जा सकती है, खेतों के विच कम करते हुए भी नाम जपया जा सकता है, क्योंकि नाम जपना जीव ने आत्मा ने जपना स्वास स्वास। और जिन्हों नाम का नशा हो गया, जिन्हों बंदगी का नशा हो गया भाई, उन्होंने तो दुनियावी नशे वाल झाकण की भी लोड़ नहीं, जिन्होंने नाम का नशा मिल गया, जिन्हों भगती का नशा मिल गया, वो तो फिर बेड़े पार। सारी दुनिया रब नूं मन्नदी है, सारा संसार परमात्मा नूं मन्नदा है, पर परमात्मा भी किसे दी मानदा, ओदे प्यारे ने जिहड़ियां भगती वालियां रूहां ने ना, फिर परमात्मा उहनां दी मानदा। रब वस भगतां ने कीता प्रेम दियां पाके डोरां, ओए जिवें मापिआं नूं पुत्तर प्यारे, भगत प्यारे रब नूं, रब नूं अपने भगत प्यारे ने, जिवें मां बाप नूं अपना बच्चा प्यारा हुंदा, उवें परमात्मा नूं अपने भगत प्यारे ने। उह सारिआं नूं प्यार करदा, सारिआं नूं प्यार करदा। सो भाई नाम जपिआ करो, बंदगी करिआ करो, आप भी परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ो, अपने बच्चों नूं भी परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़ो। उठते बहते शाम सवेरे वाहेगुरू वाहेगुरू कहते, उठते बहते शाम सवेरे वाहेगुरू वाहेगुरू कहते, बख्श गुना नूं मेरे तैनू बख्शन हारा कहते, बख्श गुना नूं मेरे तैनू बख्शन हारा कहते। वीरो कोशिश करो कि किसी का हथों भला हो, कोशिश करो कि किसी रोंदे दे अथरू पूंज सकी, कोशिश करो कि किसी बेसहारा का सहारा बन सकी। संगत जी तुसी सारे बहुत स्याणे हो, लकड़ नूं घुण खांदा है ना, वेख्या ना लकड़ नूं घुण लग जांदा, हौली हौली करके उह सारी लकड़ नूं खा जांदा जदों घुण लगदा। ओवें निंदिया ईरखा होमें हंकार मैं मेरी लोभ अहंकार, जिमें लकड़ नूं घुण खांदा है ओवें निंदिया चुगली इंसान दी आत्मा नूं खांदी है। जिहड़ा ओहदी बंदगी करन वाला है ओह निंदिया तों दूर रहिंदा है, जिहड़ा ओहदी उस्तत करन वाला है ओह हंकार तों दूर रहिंदा है, जिहड़ा ओहदी रज़ा दे विच रहिण वाला है ओह सारिआं दा सत्कार करदा है। किसी ने बड़ा प्यारा लिखिआ है कि मक्के जाके, किसी ने लिखिआ कि मक्के जाके इत्ता पूजें, गंगा जाके पानी, सुचम होके चौंके चढ़दें, तेरी धोती रही पुरानी, बंदिया वे कोई नेकी खट, तेरी मुक्के आउणी जाणी, ओ तेरी मुक्के आउणी जाणी।
मेरिया मावां भैणा बैठिया ने भैनों वीरां नूं भी कहना जिहड़े घर दे बजुर्ग हुंदे ने ना घर दे बजुर्ग बोर्ड जिहियां छावां वर्गे हुंदे ने अपने बजुर्गां दा सत्कार करिया करो ये बजुर्ग वेड़े दियां रौनकां हुंदे ने ये बजुर्गां दे नाल ही घरां दे विच मेहरां हुंदियां मापे बड़े बजुर्ग दादा दादी ये घर दे बोर्ड की छां वर्गे होंगे इन्हां दा तां भाई ख्याल रखा बजुर्गों का तो ख्याल रखा जिहड़े चार बंदे आउंदे भी ने ना घर च आउंदे ने ना वह बजुर्गों नूं देखो तुहाडे सामने बूहा ना पेड़िया कर बूहा नहीं पेड़ कोई किसे दा नहीं खांदा कोई किसे नू की दे सकदा कोई किसे नू की खवा सकदा दाना पानी खिच लिया ऐथे कौन किसे दा खांदा दाना पानी आप ही ले आउंदा खिच जिदे कर्मा दा दाना उसे नहीं खाना सो भाई ये तो हुण कई घर च असीं देखते हैं कि कई बारी कई थावां ते ऐदा होया हुंदा भी है कि कई घर दे विच जे चार बंदे आ जांदे ने ते चाह बनाउणी भी औखी समझ लैंदियां ने भाई नहीं भाई वो अपना रहन आया शायद केड़े वक्तां च तुसी उहदा खादा होगा जिन्हें भी थावां दे उत्ते दास दी ड्यूटी लगती है उत्थे जरूर एक गल कह के आना जिन्नियां भैणां बैठियां ने सारियां भैणां नूं मैं कहना बेनती करदा कि भैणों थोड़े घरां दे विच बड़ी कृपा रहूगी बड़ी मेहर रहूगी बख्शिशां रहणगियां करम नवाजियां होणगियां सुचमता दे नाल शरदा दे नाल जोड़े कढ के सिर ढक के शरदा दे नाल पूर्ण विश्वास दे नाल अपने घरां दे विच पहला प्रशादा बाबे नानक दे नाम दा कढ़िया करो थोड़े बेड़े पार हो गुरु की मेहर होगी गुरु दियां रहमतां होणगियां किसे दी निंदिया करन नालों तां उहदा नाम जप लिए उह चंगा किसे प्रति बुरी सोच रखण नालों तां चंगा किसे लई अच्छा सोचिए किसे दा माड़ा करन नालों तां चंगा है किसे दी मदद करिए ये मनुखी जामा इको वार मिलता है ये वार वार नहीं मिलता इनू चंगा करके बतीत कर ला इनू असी सारे सारी जिंदगी असी जमीना जायदादा पिछे लड़ते रहने हैं सोच के वेखो जदों इंसान की मौत होंदी है उन्हें शमशान घाट ले जाया जाता है भाई उत्थे फिर प्लाट नहीं कट्टे जाते और चिखा किसे नूं इह नहीं पुछदी कि तू किन्ना क अमीर है तेरी किड्डी क पहुंच है किन्ना क ताकतवर है नहीं नहीं भाई अग दा काम है साड़ना उन्हें ना जात पुछनी ना पात पुछनी ना उन्हें गरीब पुछना ना अमीर पुछना ते खुदा दी कचहरी दे विच तां नबेड़ा अमला दा होना कदर उन्हां दी पऊगी उत्थे अमल जिन्हां दे पारे
ਉੱਥੇ ਆਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾकोई काशी कोई काबे जावे कोई काशी कोई काबे जावे कोई मक्के कोई गंगा नहावे बाहरों रब नू लभदा फिरदा तेरे अंदर ही बैठा वो तेनू नजर ना आवे तेरे अंदर ही बैठा वो तेनू नजर ना आवे तीर्थ तो भाई थोड़े माता पिता तीर्थ वर्गे तीर्थ तीर्थ करदा फिरदा तीर्थ तेरे घर बंदिया सब तो वड्डा तीर्थ सेवा तू अपने मां बाप दी कर दिंदे हमेशा अपने आंढ गवांढ दे विच हमेशा रल के रहो अपने नगर दे विच प्यार रखो जिहड़े चले गए ना वह मुड़दे नहीं मुड़दे इंसानां दे रौले इंसानां दे नाल ही चले जदों इंसान कबर तक जांदा है फिर नाल ही मुक जांदा है उहदा उहदा रौला उहदे गुस्से गिले शिकवे लड़ाइयां झगड़े मैं मेरी निबड़ जांदी है उत्थे भाई ना तां कफणां नूं जेब ना तो कफन नू जेब होंदी है ना कबर दे विच कोई अलमारी होंदी है ते ना रब दे फरिश्ते बिकदे ने लैके की जाऊंगा इंसान जदों पैदा होंदा है ना 2 किलो का 2.5 किलो का बच्चा पैदा होता है जन्म लैंदा है जदों उहदा वेट होंदा 2.5 किलो तो कित्थे चला जांदा है जवानी आउंदी है पूरी जवानी फिर बुढ़ेपा आउंदा है और दोबारा जदों फिर मृत्यु होंदी है दोबारे जदों दाग लाया जांदा है जदों दाग लाउण तो बाद फुल चुगे जांदे ने जिन्ना क बाजन दा पैदा होया सी उन्ना क फिर इकट्ठा हो के चला दो 2.5 किलो दा पैदा होया सी मौत तो बाद जदों फुल चुगे गए दोबारा फिर उन्ना की बाजन इकट्ठा हो गया जिन्ना क पैदा होया सी उन्ना की दोबारा मिट के उन्ना की फेर आ गया आही बंदे दी जीवनी ऐथे तक जपया गुरु दा नाम कीती सेवा कीता सब दा सत्कार कीते कर्म चंगे इंसान दे दरगाह दे विच नवेड़ा करदे ने और इत्थे ना कोई कुछ लेके आया है ना कोई कुछ इत्थों लेके जाऊगा प्यो दी कमाई जमीन जायदाद पुत सामदा पुत दी फिर कमाई फिर ओहदे पुत कोल आ जांदी है फिर ओहदे पुत कोल आ जांदी है कागजां दे विचे सारा कुछ घूमी जांदा है बंदे पैदा हो ही जांदे ने मिटी जांदे ने आई जांदे ने जाई जांदे ने थां ओथे दी ओथी हो पई है जमीन तां हसदी है इंसान दे नाल कि वेख मेरे पिछे किन्ना कुछ करदा पर इहनू नहीं पता कि पता नहीं मेरे पिछे लड़न वाले किन्ने क पैदा होए किन्ने क मिट गए पर मैं उत्थे दी उत्थे ही हैं बंदे चले गए
और जिहड़े चले गए वह मुड़दे नहीं। इस करके वीरो आपसी भरा भरा जमीन पिछे माया पिछे घर पिछे लड़िया ना कर। जे एक दे कोल माड़ी मोटी वध चली गई तां वी कोई गल नहीं है, तां इको मां दे जाए ने। तू मालक ते भरोसा रख, जे तेरी शरदा सच्ची पक्की है, तेरी बंदगी सच्ची पक्की है, रब ने तेनू होर रंग भाग ला देना। ओ नहीं होता रखता, ओ बख्शनहार है। कई बारी असी उम्मीद सौ दी कर बहने, साडी सोच सोते हुंदी है, अगला लखां देण नूं कहिंदा। इस करके कई थावां ते इक इह चीज़ बोली है, दुबारे कहण लग्गिआ भाई धीआं दी गल है के मारी गए जे कुख विच धीआं, हाँ मारी गए जे कुख विच धीआं, एक दिन फिर मामा मुक जानियां। मारी गए जे कुख विच धीआं, लोको मामा मुक जानियां, रुखां नूं जे वड्डी गए ए छावां मुक जानियां, ए छावां मुक जानियां। ਵਡੇਪੇ ਦੀ ਜੇ ਸੋਟੀ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਡੇਪੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਹਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਵਡੇਪੇ ਦੀ ਜੇ ਸੋਟੀ, ਇਹ ਧੀ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਜੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਾਰੀ ਗਏ ਜੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ, ਲੋਕੋ ਮਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਬੰਦਗੀ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ जिस परिवार ने यह सेवा सांभी हुई है, इस परिवार का भी भैन का भी बहुत बहुत सत्कार, और नगर निवासियों नू इस दास वालों बहुत बहुत प्यार सत्कार। तुसी सारे जिथों जिथों भी चल के आए हो, थोड़े घर के विच कृपा रवे, पीरां फकीरां की मेहर हमेशा थोड़े ते बनी रवे। मेरी ग्यारहवीं वाली सच्ची सरकार थोड़े घर नू रंग भाग ला उठ गए।